हेलो गाइस, दिस इज़ मंशू राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था मुझे इंस्टाग्राम पे, इवन यूट्यूब पे भी लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आप अपने टेरेस का जो आउटर सीटिंग अरेंजमेंट है उसके ऊपर वीडियो बनाइए, आप अपना होम टूर लेकर आइए। तो यहाँ पर मैं आज एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और ख़ुद से क्रिएट किया है। मैं यहाँ पर एक पार्टियो बनाने वाली हूँ अपने टेरेस में। सीटिंग अरेंजमेंट जो है, जो सोफ़ा एंड जो बना हुआ है, वो भी हमने खुद बनाया है और उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। उसका स्ट्रक्चर आपके सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आयरन परचेज करने के लिए जा रहे हैं कि हमें आयरन कितना चाहिए, क्या कहाँ से परचेज करने वाले हैं, उस सब की क्वेरीज़ के लिए हम मार्केट विजिट कर रहे हैं। मार्केट में हमने पता करा कि आयरन का क्या प्राइस है, हमें कितना आयरन चाहिए और इस काम को करने के लिए आपको कितने डेज लग सकते हैं। इस काम को अप्रॉक्सीमेटली 10-15 डेज लगने वाले हैं। ओके, अपन को चाहिए टोटल पाइप्स कितने देखे थे अपन ने, 12 फीट के 8 पाइप, हाँ, और 10 फीट के 4, हाँ, 10 फीट के 4 40 एंड 12 8 96, 136 फीट चाहिए टोटल। ओके, और एक पाइप की क्या प्राइस पड़ रहा है यहाँ पे? एक पाइप ये पड़ रहा है, देखो 76 रुपीस केजी है। 76 रुपीस केजी 76 रुपीस केजी हो गया, 18 केजी का एक पाइप है। तो एक हो गया 76 इंटू 18, 1300 का एक पाइप, 1300 से 1400 रुपए की रेंज में आपको मिलेगा। और अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम यहाँ से ख़रीद रहे हैं या फिर कहीं और से ख़रीदेंगे। पहले हम मार्केट में प्राइस चेक कर लेते हैं, उसके बाद में आगे जैसे जैसे होगा पड़ेगा। 6.8 पाइप्स, मतलब ऑलमोस्ट 7 पाइप्स चाहिए। 7 पाइप्स चाहिए हमें, तो 7 इंटू 18 के जी 56 के जी, 56 के जी का टोटल प्राइस हो गया कितना? 76 से 4500। 4500, तो फिर ऑन एंड एवरेज ठीक है। मेटल का प्राइस 4500 के आसपास बता रहे हैं। ये साइज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 3 फीट बाई 3 इंच बाई 1.5 इंच एंड 20 फीट लॉन्ग है। 20 फीट लॉन्ग है, ओके। यहाँ पे हमने आयरन को वेट करवा के हमें पाइप्स खरीदे हैं और इसके बाद में मैंने आपको बताया कि उन पाइप्स के अंदर हम लाइटनिंग भी लगाने वाले हैं। तो मार्केट में हम उसके लिए शॉपिंग करने के लिए आए हैं कि वो जो आयरन के पाइप्स हैं उनमें हम किस तरह की लाइटनिंग करेंगे और जो डेकोरेशन होगा वो किस तरह का होगा। तो यहाँ पर मैंने, मुझे जोधपुर में एक बहुत ही अच्छी शॉप मिली, वहाँ पर इतना अमेजिंग कलेक्शन था लाइट्स का और वो हमने परचेज़ किए हैं। इसमें 32 लाइट्स लगाने का हमने डिसाइड किया है कि जो पूरा पार्टियो सेक्शन है उसमें हम 32 लाइट्स अरेंज करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि राइट नाउ जो कंडीशन है टेरेस की वो कुछ इस तरह की है। ये जो सोफ़ा वगैरह है वो सब हमने बनाया है और अभी से थोड़ा सा चेंज करने के लिए, ऊपर का एक लुक क्रिएट करने के लिए हमने आयरन तो ऑलरेडी परचेज कर ही लिया है। इसके बाद में हम इसे वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद में इन पे मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने खुद से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। और अभी जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है। आई थिंक आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है तो हमें ये थोड़ा सा अरेंजमेंट थोड़ा बोरिंग लगने लग गया है, तो हम इसे थोड़ा मॉडिफ़ाई कर रहे हैं। और मॉडिफ़ाई करने के लिए अभी हम यहाँ पे इसको कट करेंगे। पहले कट करने से पहले मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि मार्किंग करने के बाद में कट करना इजी रहता है। तो यहाँ पे पाइप्स की मार्किंग कर रहे हैं कि हम 10 फिट लेंथ के जो पाइप्स हैं वो 4 पाइप नीचे की तरफ अटैच करेंगे, देन ऊपर वाले सेक्शन पे अटैच करेंगे। सबकी अलग अलग मार्किंग करनी है और उसके बाद में इसे कट करना है। और कटिंग में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, केयरफुल होना होगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फायर पार्टिकल, वो आपको आपके फेस पे या फिर आपके आईज़ में जा सकते हैं, तो उसके लिए आप गोगल्स वियर करें तो बेटर होगा। और उसके बाद में कट करने के बाद में हम यहाँ पे मेजरमेंट चेक कर रहे हैं कि किस तरह कितना ऊपर चाहिए, क्या ये फिट बैठ रहा है, हमें कितना डीप चाहिए,
वो भी चेक कर रहे हैं। उसी के साथ में ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो होल प्रोसेस है उसमें आपको 10 to 15 days लगने वाले हैं और बहुत ईजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसे खुद से नहीं कर सकते। अगर आप ये अरेंजमेंट अगर आप किसी बाहर किसी से करवाते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि इसका कॉस्ट अराउंड 1 lakh rupees के आसपास आ जाएगा, लेकिन अगर आप ये खुद करते हैं तो बहुत ही 10,000 में हो जाएगा। क्या कर रहे हो आप? कैलकुलेशन कर रही हूँ। क्या मुझे वो दिखाओ? देखो जैसा कि हम सबको पता है कि हमने 7 pipe खरीदे थे, आयरन के 7 pipes हमने मार्केट से परचेज किए थे, जिनमें से अभी आपने शुरुआत में देखा था वीडियो के कि हमने 2 जो pipes थे उन्हें बराबर कट कर लिया था। हमारे जो 2 iron के 20 feet के 2 pipes थे उन्हें बराबर हमने डिवाइड कर लिया था, तो मतलब 10-10 में वो डिवाइड हो चुके हैं और टोटल खरीदे थे 7 pipes, 7 में से हमने 2 टोटल हमने 7 pipes खरीदे थे, जिनमें से 2 pipe को हमने ग्राइंडर की हेल्प से बराबर पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पीछे बचे 5 pipe, अब 5 pipe में से ऊपर का पोर्शन को डिवाइड करने के लिए हमें कितने पाइप चाहिए? हमें टोटल चाहिए 8 pipe और 8 pipe में से हमें 2 pipe चाहिए 13 feet के और 6 pipe चाहिए हमें 12 feet के। ये वाले 13 feet के चाहिए हमें 2 pipe। तो इसके लिए मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ कि कैसे हम उस पीछे बचे हुए 5 pipe है, 5 pipe है उनका टोटल फिट है 100 feet में है वो, तो पीछे जो 5 pipe बचे हुए हैं हम उसे कैसे मैनेज करें कि हमारे जो 6 pipe है वो 12 feet में कन्वर्ट हो जाए और पीछे के जो 2 pipe है वो 13 feet में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर रफली कैलकुलेशन किए। इसी तरह आपको भी अगर इस तरह का स्ट्रक्चर्स बनाना है तो उसके लिए आपको अपनी कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। बिना कैलकुलेशन के प्लीज़ आप कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप रफली स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं अपने काम का तब तक आप आगे प्रोसेस नहीं कर। मैंने यहाँ पे 3D डायग्राम अटैच किया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम यहाँ पे बनाना क्या चाहते हैं, और यहाँ पे मैंने पाइप्स को अरेंज किया है जिस तरह हम इसे वेल्ड करवाने वाले हैं उस एरिया के ऊपर, और अरेंज करने के बाद में आप देख रहे हैं कि हम इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ से डिज़ाइन दे रहे हैं, पूरी तरीके से इसे कट नहीं कर रहे, सिर्फ थोड़ा सा हम इसे डिज़ाइन दे रहे हैं ताकि इसमें अच्छा लुक आए। जैसे ही आप ग्राइंडर को ऑन करोगे तो उसकी जो फायर के पार्टिकल्स हैं वो आपकी आंखों में ना आए, इसलिए आप अपने गॉगल्स बिल्कुल भी वेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है और आपको स्केल की हेल्प से जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो ले लेने हैं, उनको पहले मार्किंग कर लेनी है कि किस तरह हमें ऊपर उनसे अरेंज करना है। हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और जो मार्किंग ड्रॉ की है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं, और इसके बाद में सिमिलर इसी साइज में हम सारे पाइप्स को कट करेंगे, और बाद में यहाँ पे जहाँ पे हम लाइट्स यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे हम होल करेंगे यहाँ पे बीच में। जैसा आपने स्ट्रक्चर में पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम 5 to 6 लाइट्स यूज़ करने वाले इन पाइप्स के अंदर, तो वो भी किस तरह करना है कैसे करना है ये सब हम आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे। रात के 3 बज रहे हैं और हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमें रात को ही काम करना पसंद है क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो रही होती है और हम कोई प्रोफेशनल वेल्डर्स नहीं हैं और ना ही कोई मतलब ऐसे काम का कोई एक्सपीरियंस है हम लोगों को, इसलिए हम जनरली प्रीफर करते हैं कि रात को ज़्यादा अच्छे से काम हो पाता है, क्योंकि जब सब लोग सो जाते हैं चारों तरफ शांति होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है, तब गड़गड़ करने मजा आता है। हाँ, और लोगों के सोने के बाद में जो मजा है ना मतलब परेशान करने का, तो वो ज्यादा अच्छा है। स्टार्ट करो, कितना हो गया है अभी? तो हमने सिर्फ इन पाइप्स पे लाइटनिंग के लिए होल किए हैं, अभी तो सिर्फ 2 holes हुए हैं, ऐसे हमें कितने होल्स करने हैं? ऑलमोस्ट
32 होल्स करने। इस तरह हमें यहाँ पे 32 होल्स करने हैं, जिन पे हम वो स्पोर्ट्स लाइट्स हैं जो हमने मार्केट से खरीदी थी वो हम इनमें अटैच करेंगे लाइटनिंग का कनेक्शन देने के बाद में। यहाँ पे हमने होल्स करने के बाद में इन होल्स के अंदर लाइटनिंग के लिए कनेक्शन दिया है। मैं जनरली प्रेफर कर रही हूँ कि पहले ही लाइटनिंग के लिए कनेक्शन दे दे, क्योंकि जैसे ही एक बार सिस्टम सेटअप हो जाएगा उसके बाद में कनेक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद में हम यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बाहर का इंटीरियर है तो बाहर अगर आप प्राइमर नहीं करोगे तो ईज़िली आपका जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपको प्राइमर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपने स्ट्रक्चर पे प्राइमर कर ले। हमने वैसे इसको ट्राई किया था कि हम इसे नीचे ही जब इसका स्ट्रक्चर हमने ऊपर वेल्ड नहीं किया था उससे पहले हमने प्राइमर करने की कोशिश की थी, वहाँ पर भी हमने एक कॉट किया है, लेकिन ऊपर जब ये स्ट्रक्चर वेल्ड हो गया है उसके बाद में भी हम इसे सेकंड टाइम प्राइमर कर रहे हैं ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए, ऑक्सीडाइज ना हो और ख़राब ना हो, क्योंकि आयरन के पाइप होते हैं और इनमें जल्दी ख़राब होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है अगर आपने अच्छे से प्राइमर नहीं किया है। तो प्राइमर करने के बाद में हम इस पर कलर करेंगे। प्राइमर होने के बाद में हमने इस पे वाइट कलर किए, वाइट कलर के भी हमने यहाँ पे दो कोट किए हैं। और इसके बाद में मैं यहाँ पे लाइटनिंग का कनेक्शन दे रही हूँ, क्योंकि मेन जो कनेक्शन था वो तो हमने नीचे ही दे दिया था, बस अब इन लाइट्स को जो ये स्पॉट लाइट्स हैं उनको अटैच करना, उनका प्रॉपर कनेक्शन देना एंड देन उनको इसके अंदर फिक्स करना है। फिर आप इसका पूरा लुक देख सकते हैं कि किस तरह आएगा। ऐसे करके हमने यहाँ पे सारे कनेक्शंस को फिट कर दिया है, और पूरा कनेक्शन देने से पहले एक बार चेक भी कर लेना है कि आपको ये कोई लाइट चल नहीं रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है तो आप एक बार ऑन करके चेक कर लें, उसके बाद में ही उसे फिक्स करें वहाँ पर। तो ये जब एंड में कुछ इस तरह का लुक आप लोगों के सामने आएगा, और कनेक्शन देते टाइम आपको खुद को ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना है, वरना करंट भी आ सकता है। आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी, कुछ बातें होती है कि कनेक्शन कैसे देते हैं, ये सब कनेक्शन देना का जो भी प्रोसेस है। वैसे मैंने आज से पहले कभी किसी लाइट्स को कनेक्शन नहीं दिए हैं, लेकिन ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है कि कैसे लाइट्स को कनेक्ट करते हैं, रेड वाला वायर किससे कनेक्ट करना होता है और कौन सा वायर किससे कैसे होता है, ये सब मैंने सीखा है। और लिटरली गाइज, मुझे भी ये काम पहले कभी करना नहीं आता था, ये सब मैंने पहली बार किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, ये फाइनल इसका लुक है, ये कुछ इस तरह आएगा।